नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच हो साझेदारी। दुनिया के दिग्गज तेल कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह। कहा, कीमतों में लगातार इजाफे से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। सऊदी अरब ने भारत की जरूरतें पूरी करने का दिलाया भरोसा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नक्सली हिंसा को बढ़ावा देने वाले तथा कथित बुद्धिजीवियों को समाज के लिए बताया घातक। नेशनल डिफेंस कॉलेज के कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को तेज करने पर दिया जोर। कहा, मानवता के लिए खतरा बना हुआ है आतंकवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में बढ़ी सियासी सरगर्मी। बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्षों ने की जनसभाएं। राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। अमित शाह बोले, फसलों के दाम बढ़ाकर सरकार ने पूरा किया वादा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में आज से आपातकाल योजना लागू। बिगड़ती आबोहवा पर 3 दिन पहले अलर्ट करेगी वायु गुणवत्ता अग्रिम चेतावनी प्रणाली। स्थिति की निगरानी के लिए दिल्ली एनसीआर में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की 41 टीमें तैनात। और अफगानिस्तान के लिए भारत और चीन का पहला संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू। दोनों देश अफगानिस्तान के राजनयिकों को सिखाएंगे वैश्विक राजनीति के गुर। वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक बैठक में प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर बनी थी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के बीच आज देश और विदेश की तेल कंपनियों के सीईओ और ऑयल एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। उन्होंने तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए अन्य बाजारों की तरह तेल क्षेत्र में भी उपभोक्ता और उत्पादक देशों के बीच साझेदारी विकसित करने पर जोर दिया। इस बीच ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों के चलते पड़ने वाले असर की आशंका के बीच सऊदी अरब ने भारत को तेल की हर जरूरी आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 3 दिनों में दूसरी बार तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए शीर्ष स्तर पर बैठक की। सोमवार को उन्होंने कई देशी और विदेशी तेल कंपनियों के सीईओ और तेल क्षेत्र के जानकारों के साथ अपने आवास पर बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार भी शामिल हुए। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल का पर्याप्त उत्पादन होने पर भी उत्पादक देशों की मार्केटिंग नीति और वैश्विक कारणों से कीमतें बढ़ जाती हैं। उन्होंने विकासशील देशों में तेल की खोज में तकनीक और निवेश की जरूरत पर भी काफी जोर दिया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कच्चे तेल के अलावा गैस और सोलर ऊर्जा की संभावनाओं पर सरकार अब सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। We are global experts in the energy sector. Today morning, we had an interactive session with Honorable Prime Minister, during which we carefully listened to the views of the global oil community. We are doing all this to learn and accomplish Honorable Prime Minister's vision of energy sector, of ensuring energy access, energy security, energy affordability, and energy sustainability. इस बीच सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री खालिद अल फलीह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका और अमेरिका की ओर से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण तेल के बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है, लेकिन भारत की तेल की जरूरतों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। Minister Pradhan, and I assure them of our full and continued commitment to meeting India's oil demand, as well as continuing to invest right here in India.
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते कुछ समय से कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़े हैं, जिसके चलते देश में पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया है। सरकार ने हाल में समीक्षा बैठक के बाद तेल पर उत्पाद शुल्क घटाया था, जिससे कई राज्यों में तेल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आ गई थी। बीते शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के साथ बैठक की थी। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल कंपनियों के सीईओ के साथ मौजूदा तेल संकट पर चर्चा की और इस चर्चा में ये बात भी उठी कि किस तरह आयात पर निर्भरता को घटाया जाए, साथ ही तेल के क्षेत्र में नए नए निवेश को भी साथ में लाया जाए। लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब ने इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि वो भारत सरकार को उसकी तेल की सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। दिल्ली में कैमरा सरोज के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वैश्विक कंपनियों के लिए भारतीय ग्राहकों से जुड़ा डेटा भारत में ही स्टोर करने के लिए दी गई मियाद आज पूरी हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि वो वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक कंपनियों को आंकड़े देश में ही रखने वाली डेटा लोकलाइजेशन के नियमों के पालन के लिए दिए गए समय को आगे नहीं बढ़ाएगा। रिजर्व बैंक ने अप्रैल में पेमेंट बिजनेस से जुड़ी ग्लोबल कंपनियों को भारतीय ग्राहकों के लेन देन के आंकड़े भारत में ही स्टोर रखने के लिए 6 महीने का समय दिया था और इसके लिए 15 अक्टूबर की समय सीमा तय की थी। हालांकि अमेरिका ने 2 वरिष्ठ सीनेटरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंकड़ों को देश के भीतर संग्रहित करने की व्यवस्था पर नरम रुख अपनाने का आग्रह भी किया था। उन्होंने कहा था कि भारत की इस नीति से अमेरिकी कंपनियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारतीय कंपनियों ने रिजर्व बैंक के इस कदम का स्वागत किया है, जबकि विदेशी कंपनियों को यहां अपना सर्वर बनाने में खर्च बढ़ने का खतरा सता रहा है। जिन कंपनियों ने आरबीआई के इस नियम का अभी तक पालन नहीं किया, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। फॉरेन कंपनीज का व्यू ये है कि डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो फ्री फ्लो होना चाहिए। उनका मानना यह है कि वो फ्री फ्लो इसलिए होना चाहिए कि बॉर्डर्स, बाउंड्रीज और कंट्रीज हैव नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट दिस फ्लो। उनका मानना ये भी है कि अगर वो ये सिस्टम्स यहाँ इंडिया में लगाएंगे तो उनके खर्चे बढ़ेंगे। और सितंबर में खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 5.13% पर पहुंच गई, जो 2 महीने का उच्चतम स्तर है। अगस्त में ये दर 4.53% थी। सितंबर में खाद्य महंगाई दर महीने दर महीने के आधार पर -2.25% से बढ़कर 0.14% हो गई। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 17.73% से 16.65% पर आ गई। सितंबर में निर्यात में 2.15% की कमी आई है। हालांकि इस दौरान पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल्स, दवा, कॉटन, यार्न और कपड़े, हथकरघा और प्लास्टिक का निर्यात बढ़ा है। वहीं आयात में सितंबर में 10.45% की बढ़ोतरी हुई। इस तरह व्यापार घाटा यानी कि आयात और निर्यात के बीच का अंतर $13.98 अरब रहा। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता अग्रिम चेतावनी प्रणाली को लागू किया है, जो मौसम विभाग को 3 दिन पहले ही हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देगी। इससे विभाग को स्थिति के हिसाब से कदम उठाने में मदद मिलेगी। फिलहाल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को बंद किया जा चुका है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में आपात कार्य योजना लागू की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता अग्रिम चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है, जो आबो हवा के बिगड़ते रुख को लेकर 3 दिन पहले ही सतर्क करेगी। इसके लिए भारत सरकार ने अमेरिका और फिनलैंड के साथ मिलकर विज्ञान के एक क्षेत्र में अनुबंध किया है। इस प्रणाली के तहत पर्यावरण की स्थिति की निगरानी की जाएगी। ये सिस्टम मौसम विभाग को तापमान, हवा की गति, नमी और दिशा की जानकारी देगा। मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक पिछले 2 सालों के मुकाबले कंटिन्यूसली हमारे एयर क्वालिटी को जज करने वाले जो गुड और सेटिस्फैक्ट्री डेज होते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और जो बैड और वर्स जैसे डेज होते हैं उनकी संख्या घट रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आपात कार्य योजना के तहत दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सोमवार को बदरपुर पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है, साथ ही राजधानी की तकरीबन 1150 औद्योगिक इकाइयों में से 950 में पीएनजी का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है और जिनमें इसका इस्तेमाल नहीं होगा उन इकाइयों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर स्वीपिंग मशीन से साफ सफाई बढ़ाई जाएगी, धूल से निजात पाने के लिए नगर निगम पानी का छिड़काव भी करेगा और जगह जगह कचरा जलाए जाने का काम भी बंद होगा। आपात कार्य योजना के तहत प्रदूषण बोर्ड ने 41 लोगों की टीम उतारी है जो दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर जाकर स्थिति का जायजा लेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। व्हीकुलर पोल्यूशन को लेकर के एक मेजर इंटरवेंशन इस समय जो ज़रूरी है वो ना केवल गवर्नमेंट बट इवन पब्लिक, कि आपका जो व्हीकुलर इमिशंस हैं उसको ज़रूर हम लोग चेक करा लें, जो हम PUC कहते हैं, पोल्यूशन अंडर चेक। तो एज एन इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो भी व्हीकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इमिशंस अंडर कंट्रोल हों विद इन दी स्टैंडर्ड लिमिट्स। हर साल सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, लिहाजा सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए इस बार पहले से ही सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल पंजाब में 75% पराली कम जलाई गई है, वहीं हरियाणा में भी पराली जलाने का काम 40% कम हुआ है। अनु दीवान, राज्यसभा TV। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है और समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के देश इसका सख्ती से मुकाबला करें। दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी देश से आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती। उपराष्ट्रपति ने नक्सली हिंसा को बढ़ावा देने वाले तथा कथित बुद्धिजीवियों को भी समाज के लिए घातक बताया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को नेशनल डिफेंस कॉलेज में हुए व्याख्यान में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भारत की रणनीतिक संस्कृति, इसके मूल तत्व, हित और उद्देश्य विषय पर संबोधन में उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र जैसी शीर्ष संस्था सख्ती बरते। पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती। Is aiding, abetting, funding, training terror, and then goes out and says we want to have talks and all. Talks and terror cannot go together. It's very clear. That's why we are telling the international community, India is willing to resolve any issue, every issue, through peaceful dialogue, and we want to have friendly relations with all. उपराष्ट्रपति ने देश के भीतर सुरक्षा स्थिति के लिए नक्सलवाद पर भी चिंता जताई और कहा कि बंदूक से समाधान संभव नहीं है। Some of the forces, they advocate bullet, and some people, so-called intelligentsia, a perverted mind, they also extend support. After this many years of civilization and growth of democracy and strengthening of parliamentary democracy, how can you believe in that outdated theory that power comes from the barrel of the gun? उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश बदल रहा है और महिलाओं को अब सभी क्षेत्रों में बड़ी भूमिका मिल रही है। उपराष्ट्रपति ने नोटबंदी से लेकर GST, स्वच्छता अभियान जैसे कदमों को इस हालिया विकास के लिए भी अहम करार दिया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा TV। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं। आज बघेलखंड क्षेत्र के सतना में उन्होंने कमल शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की शिवराज सिंह चौहान और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं की बेहतरी के लिए कई काम किए, जिससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बीजेपी अध्यक्ष ने रीवा में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती, कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ती है। अमित शाह ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार ने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की बेहतरी समेत हर एक क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में चौथी बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव आने वाला है
28 नवंबर को यहां मतदान है। 28 नवंबर के मतदान में मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से एक बार आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य में बदलने वाले शिवराज जी फिर से एक बार आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आए और 19 में नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार आपके आशीर्वाद मांगने आए। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के दतिया में चुनावी रैली की। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की बार बार मांग के बावजूद एनडीए सरकार किसानों के सुध नहीं ले रही और किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रही। राहुल गांधी ने वादा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो 10 दिनों के अंदर किसानों की कर्ज माफी होगी और कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए काम करेगी। इससे पहले आज राहुल गांधी ने दतिया में स्थित प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए। यहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ नेता कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। राहुल गांधी 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। ग्वालियर चंबल इलाके के इस दौरे में वो कई रोड शो और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मैंने उनसे कहा, मोदी जी किसानों का कर्जा माफ कीजिए, मतलब मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी नहीं कहा कि हां बात सही बोली है, मैं कोशिश करूंगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि उनके राज्य में उत्तर भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने आज लखनऊ में एकता संवाद के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। विजय रूपाणी ने कहा कि जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया है उनके खिलाफ पुलिस जांच पूरी होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रूपाणी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब गुजरात में उत्तर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। हालांकि गुजरात सरकार ने कई मौकों पर यह कहा है कि गुजरात में पूरी शांति है, सबको पूरी सुरक्षा सरकार ने कड़े से कड़े कदम उठाकर लिया है। और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जितने गुजरात में नॉन गुजराती रह रहे हैं उन सब की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है और हम सब उनमें कटिबद्ध है और पूरी सुरक्षा उनको मिल रही है, मिलेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता की भी बात नहीं है। और अफगानिस्तान में शक्ति संतुलन को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका की खींचतान के बीच भारत और चीन ने एक नई पहल की है। अब भारत और चीन मिलकर अफगानिस्तान के विकास में संयुक्त रूप से मदद करेंगे। दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ाने के लिए इस महीने के अंत में चीन के गृह मंत्री जाओ केजी और दिसंबर में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आएंगे। अफगानिस्तान के मसले पर सोमवार को भारत और चीन के बीच सहयोग का पहला संयुक्त प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू हुआ, जिसके तहत भारत और चीन मिलकर अफगानिस्तान के राजनयिकों को प्रशिक्षण देंगे। प्रोजेक्ट का पहला चरण 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद अफगानिस्तान के राजनयिक नवंबर में चीन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अप्रैल में वुहान में हुई अनौपचारिक बैठक में इस योजना पर सहमति बनी थी और ये तय किया गया था कि दोनों देश अपने अनुभवों के आधार पर अफगानिस्तान के राजनयिकों को बहुउद्देशीय संगठनों में अपने पक्ष में समझौता करने के गुर सिखाएंगे। This year, we started a scholarship scheme for the next of kin of martyrs of the Afghan National Defense and Security Forces as mark of our respect for the brave sons and daughters of Afghanistan who made the ultimate sacrifice for the defense of their country. I am very happy that today we are chartering a new course with the beginning of a training program for 10 diplomats from Afghanistan in partnership with China. This marks the beginning of what we visualize a long-term trilateral partnership for the benefit of Afghanistan. We believe that Afghanistan is a good venue for creating an attempt of common understanding and shaping environment bilateral and multilateral regional cooperation. And this joint program of India-China for Afghanistan diplomats can be a good example to the regional cooperation.
दिल्ली के विदेश सेवा संस्थान में चल रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी ने भी अपने संदेश भेजे। इस मौके पर चीन के राजदूत लू जाओ हुई भी मौजूद रहे। उन्होंने सार्क, बिम्स्टेक, नेपाल, भूटान, मालदीव, ईरान और म्यांमार में भी इस तरह का सहयोग बढ़ाने की सलाह दी। Such as Nepal, Bhutan, Maldives, Iran, and Myanmar, and other regional issues. India is a regional major power. China also have an important interest in the region. Both of us wish this region should be stable, should be prosperous. And we got a lot of cooperation in some regional mechanisms such as SAARC, as BIMSTEC, as BCIM Economic Corridor, and other regional areas. So that provides the future direction of China-India's. दुनिया के कई देशों में भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भले ही हों, लेकिन अफगानिस्तान में दोनों देशों की तरफ से मिलकर चलाए गए संयुक्त प्रोजेक्ट पर सबकी निगाहें हैं। अफगानिस्तान आतंकवाद से त्रस्त है, इसमें भी खासतौर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सरजमी से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिला हुआ है तो दूसरी तरफ भारत अफगानिस्तान के विकास के लिए पहले से ही $3 अरब के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे से लेकर मानव विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। अफगानिस्तान की जरूरतें ढेर सारी हैं और भारत और चीन के अफगानिस्तान के विकास में साथ साथ आने का बहुत ही गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब देखना यह है कि भारत और चीन का साथ आना अफगानिस्तान की समस्या के क्षेत्रीय समाधान में कितना मदद कर पाता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सरोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और लुटियंस, दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर आने वाले दिनों में देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास रहे 3 मूर्ति भवन में आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने भूमि पूजन करते हुए प्रधानमंत्री संग्रहालय की आधारशिला रखी। ये अपनी तरह का पहला संग्रहालय है जिसे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के सम्मान में तैयार किया जा रहा है। इस म्यूजियम में पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़ी वस्तुओं और उन्हें मिले उपहारों को रखा जाएगा, साथ ही उनके जीवन, कार्यों और राष्ट्र निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण योगदान को भी दर्शाया जाएगा। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा संग्रहालय पहले से बना हुआ है, लिहाजा नए तैयार हो रहे इस संग्रहालय में देश के 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सेमिनार हॉल और सभागार भी तैयार किए जाएंगे। नए संग्रहालय की अनुमानित लागत 271 करोड़ रुपए है। इस म्यूजियम की 3 मंजिलें होंगी, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। 1,18,000 स्क्वायर फुट जगह पर यह म्यूजियम बनेगा। 271 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर खर्च होगी और लगभग 1 वर्ष के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगा। CPWD हमारी कार्यदायी संस्था है, वह इसका निर्माण करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भवन में आज श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉ. APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि डॉ. अब्दुल कलाम ने बताया कि देश के विकास का मार्ग हमारी आध्यात्मिक परंपराओं, मेधावी युवाओं की अपेक्षाओं और क्षमताओं, विज्ञान और तकनीक की अपार संभावनाओं से ही प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि एक असाधारण शिक्षक, एक अद्भुत प्रेरक, एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और एक महान राष्ट्रपति के तौर पर अब्दुल कलाम हर भारतीय के दिल और दिमाग में बसते हैं।
भारत के मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन के सफर पर। आई विल फ्लाई, आई एम बोर्न विद पोटेंशियल, आई एम बोर्न विद कॉन्फिडेंस, आई एम बोर्न विद विंग्स, सो आई विल फ्लाई। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जिससे हर वर्ग और हर उम्र के लोग खुद को जुड़ा महसूस करते हैं। एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब ने पहले डीआरडीओ और फिर इसरो जैसे महत्वपूर्ण संगठनों में काम किया। 1998 में पोखरण में हुए दूसरे परमाणु परीक्षण में भी डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े रहे, इस वजह से उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। वो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी रहे। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भी उन्हीं की देखरेख में हुई। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। कलाम साहब के योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के एक लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कलाम साहब आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका नाम, उनके विचार, उनके आदर्श हमेशा अमर रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।